नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीसीएल के द्वारा एक और वैकेंसी जो है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा देखा जाए कि यूपीपीसीएल लगातार, आपको मैं बताऊं कि एक बार कैंप असिस्टेंट का वैकेंसी दिया, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का दिया, फिर कंप्यूटर असिस्टेंट का दिया, लगातार कहीं ना कहीं अब देखें प्रीवियस 3-4 महीने से तो इनकी वैकेंसी जो है आती जा रही है। भला ही थोड़ी बड़ी कम पोस्ट पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट जो आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं उनके पोस्ट हैं। उनका ये था कि एग्ज़ाम लास्ट अक्टूबर तक बोला गया था, लेकिन अभी भी कोई जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है। एडमिट कार्ड सिर्फ कैंप असिस्टेंट का आया हुआ है, तो इसका मतलब अभी कैंप असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका जो है एग्जीक्यूटिव वालों का एग्ज़ाम होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी आपका 31 तारीख में तो नहीं होने वाला, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब एक और जो नया विज्ञापन जारी किया है यूपीपीसीएल के द्वारा, वो है आपका अकाउंट असिस्टेंट का, ठीक है। और ये पिछले बार भी पेपर हो चुका है अच्छा खासा, इसमें भी कम पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड जो है आपके एलिजिबिलिटी मांगा है और 186 पोस्ट है, ठीक है। तो 186 पोस्ट कॉमर्स वालों के लिए, खासकर जो ग्रेजुएशन कॉमर्स से रिलेटेड हैं उनके लिए एक बेहतरीन जो है मौका है कि आप यूपीपीसीएल में जॉब कर सकते हो। और मैं इसलिए बोलता हूं यूपीपीसीएल की तैयारी करने के लिए कि बाकी आयोग का आप देख रहे हो कि क्या है, कितना समय लगता है, इसके रिक्रूटमेंट को विद इन 6 मंथ में आपका पूरा हो जाएगा। 6 से 7 मंथ में आपका पूरी पोस्टिंग वोस्टिंग सब हो जाएगी। क्या है इसके अकाउंट असिस्टेंट में, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए डिटेल में हम लोग एक बार एलिजिबिलिटी और उन सब क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है हमें। चलिए यहां पर देखिए, विज्ञापन आपका जारी किया गया है। टोटल सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, हर एक कैटेगरी में इतने इतने पोस्ट दिए गए हैं, आपको ये दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार जो है इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूं, ठीक है। चलो बाकी सब कुछ वही है जो आप तक अभी तक अकाउंटेंट असिस्टेंट में देखा, वही सब चीजें हैं। तो यहां पर ये दे दिया गया है, बोला आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड जो है फोटो पहचान पत्र का होना अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड होना जरूरी है। और यहां बोला है कि आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्थिति पर ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी के अधिक क्या बोला अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों के प्रश्नपत्र मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखो, बस सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा इसका भी, यही सब आपका डिटेल इसमें दिया हुआ है। अब जो वेतन मान है 29,800 लेवल 5 का है, 29,800 से 94,300 का है इसका वेतन मान। और जो इसकी शैक्षिक अर्हता है वो जरूरी है आप लोगों को। शैक्षिक अर्हता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित से वाणिज्य में स्नातक, मतलब आपका बीकॉम होना चाहिए, कॉमर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो अब आप ये वैकेंसी भर सकते हो। तो यहां बाकी वाले नहीं, सिर्फ आपके बीकॉम स्टूडेंट जो है वाणिज्य में जिसका स्नातक है वही भर सकता है। बाकी एज की जो छूट है आपको यहां पर साफ साफ दिया है, 21 से 40 वर्ष अधिकतम दिया है आपका। बाकी जो छूट लगता है वही है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वतंत्रता संग्राम आशीष से अभ्यर्थियों का अधिकतम आयु में सीमा में 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों में सेवा की अवधि के 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट नियम अनुसार उन्मन्य है, ठीक है। तो वही सब चीजें दी गई हैं आपको, आरक्षण के बारे में सेम है। अब हम लगाते हैं चयन प्रक्रिया क्या है इसकी। तो चयन प्रक्रिया आपकी जो है, बोला है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा सीबीटी में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए, मतलब बोला है चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब देखो सीबीटी मोड में होगा आपका, यहां क्या बोला है कि जो भी आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू मोड का होगा। यहां देखिए एमसीक्यू मोड में होगा, प्रथम भाग में आपके 50 प्रश्न होंगे, पार्ट ए जो होगा आपका इसमें 50 क्वेश्चन होगा और पार्ट जो बी होगा उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो आपका भाग है, ठीक है, पहला जो आपका भाग है इस भाग में देखो 50 प्रश्न। यहां एक चीज और है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है अकाउंटेंट असिस्टेंट है उनसे थोड़ा सा ये हटके है। क्यों हटके है, वहां पर भी 50 क्वेश्चन पार्ट ए में आपके कंप्यूटर का पूछा जाता है,
ठीक है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका जो लेबल होता है उस वाले एग्जाम में वो बोला गया था ट्रिपल सी के बराबर होता है इसका लेबल, लेकिन यहां पर जो लेबल है वो ओ लेबल के बराबर है। तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने देखा है पेपर पिछले साल का अकाउंट असिस्टेंट का, प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, डेटाबेस से पूछा जाता है, डेटा इलेक्ट्रॉन एक तरह से बोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जाता है, तो अच्छा खासा इसे पूछा जाता है। तो जो बच्चे देखो अभी तो हम पूरा बैच नहीं, लेकिन हम जो आपका एक वीओडी बैच जो है उन बच्चों के लिए, काफी बच्चे बोल चुके हैं फोन करके कि सर मुझे ओ लेवल के लिए 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए अभी लॉन्च कर दीजिए, बाकी आप अकाउंटेंट वाला देख लीजिएगा। तो ये वीओडी बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं, इसमें कुछ वीओडी रहेंगे और प्रैक्टिस क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। तो ये वीओडी बैच आपका जो है वो 499 रुपए का होगा, ठीक है, 499 रुपए का कंप्यूटर का वीओडी बैच होगा, मतलब पार्ट ए होगा ये। अभी हमने पार्ट ए को लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा पार्ट ए है, बाकी आपको मैथ रीजनिंग के जो वीडियो होगा वो आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री में, ठीक है। चलो जिसको लेना होगा वो परीक्षा प्लस ऐप से ले सकता है, क्योंकि यहां ओ लेवल बोला है तो ओ लेवल के स्तर का मैं पढ़ाऊंगा उसमें, निश्चिंत रहिए एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूंगा, परीक्षा प्लस ऐप से आप ले सकते हो, ये ध्यान रखिए। अभी अगर हम बात करें तो 1/4 निगेटिव है, 50 प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और ये जरूरी है कि इसे पास करना बहुत जरूरी है, वो भी 50% अंक के साथ। अभी तक एग्जीक्यूटिव और चाहे किसी में 20 क्वेश्चन बोला था सही करना है, ठीक है, लेकिन यहां बोला 50% अंक के साथ, मतलब 50%। अब 50 क्वेश्चन है आपका, मतलब 25 क्वेश्चन आपको सही करना है इसमें, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको सही करना है, ये ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में, तभी आपका अगला का मूल्यांकन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब द्वितीय भाग की बात करें तो द्वितीय भाग का यहां पर सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिया है कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, वही वाला जो बाकी पढ़े हो। यहां रीजनिंग की जगह आपका अर्थमेटिक आ गया, मतलब मैथ्स पूछा जाएगा आपका, यहां पर आपसे मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग नहीं आएगा। और थर्ड पार्ट जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स वाला पोर्शन रहेगा, और अकाउंटेंसी का सिलेबस दिया है कि ये चीजें आपको पढ़ना है। तो अभी तो हम इसके नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपका जैसा रुझान होगा तो हम इसे भी कवर आपको करा देंगे, लेकिन अभी हम पार्ट ए लॉन्च किए हैं, तो पार्ट ए के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो उसमें हम ये वाला पोर्शन आपको दे देंगे, जनरल हिंदी और इन्हें अर्थमेटिक वाला पोर्शन दे देंगे, अकाउंटेंट वाला अभी देखते हैं, ठीक है। हाँ, बोला है यहां पर इस बात को, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता या मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा स्थान यहां यहां बोला है कि आगरा में, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में हो सकता है, उसके बाद से आपसे क्या बोला है, बाकी आपको डिटेल पढ़ लीजिएगा, बाकी वो सब अंक पत्र, प्रमाण पत्र और जब आपकी डीवी होगी उसके बारे में डिटेल आपको यहां पर दिया गया है। अब ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो ध्यान लो, जैसे यहां पे बोला अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्ति पद, विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है, मतलब 31 मार्च 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका कोई योग्यता प्रमाण पत्र हो, या आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बस जो सर्टिफिकेट का इश्यू आता है उसको लिए ध्यान रखिए। और देख लेते हैं बाकी आपको जनरल जो आपके रहते हैं, फीस देख लो भाई, जो फीस है आपको ज्यादा रहता है ये यूपीपीसीएल में, 1180 रुपए आपको पे करना है, अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 है, बाकियों के लिए आपके कौन सा है यहां पे, उत्तर प्रदेश में विकलांग, विकलांग के लिए 12 है, बाकी सभी के लिए, ठीक है, यहां पर 1180 रुपया है। अब जीएसटी सहित है उसमें लिखो, इसमें लिखता है जीएसटी सहित, देखो आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उसके लिए भी मेल बोला है कि आप इस मेल पर करके जो है पूछ सकते हो, हेल्प डेस्क 1222aa@gmail.com से आप उनको मेल कर सकते हो, तो जो भी आपको इससे रिलेटेड दिक्कत है तो आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म कब से फिल किया जाएगा, एग्जाम कब होगा वो देख लो आप लोग, ठीक है, मेन ये है आपका, बाकी सब मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से आप पढ़ लेना।
8 11 से 28 11 तक फॉर्म भरा जाएगा, अभी आपके पास काफी समय है, ठीक है। 8 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और 28 नवंबर तक चलेगा, ठीक है, आपके फीस उस सब कुछ। अब एग्जाम डेट जो है आपका, इसका एग्जाम डेट प्रस्तावित बोल दिया गया है कि जनवरी के सेकेंड वीक में होगा। हो सकता है कि ये जैसे अभी एग्जीक्यूटिव वाले में टल रहा है वो टल भी जाए, लेकिन मान के चलो कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी आपके पास पूरा नवंबर पूरा दिसंबर बचा हुआ है, 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीना से ज्यादा का सिलेबस नहीं। अगर आप यूपीपीसीएल के कंटिन्यूअस तैयारी करते आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंप्यूटर में अलग एफर्ट पुट करना है, बाकी आपको अकाउंट में अलग एफर्ट पुट करना, बाकी सब कुछ आपका सेम है। थोड़ा सा रीजनिंग की जगह यहां पर मैथ आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो जो लोग भी इच्छुक हैं तो अभी परीक्षा प्लस के द्वारा जो है पार्ट ए आपका लॉन्च कर दिया गया है, जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट आपका कंप्यूटर है, वो बैच आपका लॉन्च कर दिया गया। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, दिवाली का ऑफर भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप दिवाली के ऑफर के साथ उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार की इस वैकेंसी से या नोटिफिकेशन रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो आप जो है वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। सिलेबस वेबस सब इन्होंने दे दिया है, जो एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं उनका सिलेबस दे दिया है, बाकी जनरल इंग्लिश हिंदी और अर्थमेटिक वो आपके जो एग्जाम में जनरली आते हैं वही आएगा, ठीक है। तो सिलेबस के लिए चिंता मत करो, सिलेबस वही रहेगा। और कंप्यूटर के लिए ओ लेवल आपको बता ही दिया है, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट रहेगा। प्रीवियस पेपर आप देख लीजिएगा, हम डलवा देंगे ग्रुप में, तो उसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। और भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्या का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।